आजादी दी पंजाबी वरेकंठ हर हिंदुस्तानी नु बहुत बहुत मुबारक होवे। वतन दे उन्हां सारे शहीदां नु आशकां साधकां नु लख लख प्रणाम होवे जिन्हां ने आजादी महंगे मुल च लैके दित्ती। आजादी एवें नहीं मिलती और जवानों जिंदगी वारो आजादी मुल मंगती है, इस दियां कीमतां तारो आजादी मुल मंगती है। नहीं तो फिर किसी शायर नु कहना पड़ेगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बांट लिया भगवान को, सागर बांटा धरती बांटी मत बांटो इंसान को। नमस्कार, संकेत प्रोग्राम विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। अज दे इस प्रोग्राम दे विच साडे पिछले सारे प्रोग्रामां दीआं जेतू टीमां आईआं हन ते इन्हां जेतू टीमां दे विच जोरदार मुकाबला होण जा रिहा है, क्यों नीरू जी? जी हाँ, बहुत ही जोरदार। सब तो पहले तुहाडा सारिआं दा तारुफ कराता जाए। एक पासे सतलुज टीम है, तुहाडा नाम? नीलम। तुसीं कित्थे पढ़दे हो? मस्तारा सिंह कॉलेज। अच्छा, तुसीं? मनदीप। कित्थे पढ़दे हो? मस्तारा सिंह कॉलेज। अच्छा, तुसीं? सरिता। कित्थे पढ़दे हो तुसीं? मस्तारा सिंह कॉलेज। अच्छा, कित्थों, किहड़ा शहर? मनमीत, मस्तारा सिंह कॉलेज। अच्छा, तुसीं? इंद्रपाल, BIT रांची। रांची तो? जसपाल, IISCL लुधियाना। तुसीं? हरप्रीत कौर, लुधियाना। मनप्रीत सिंह, गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना। ऐसी ब्यास टीम, रावी टीम, सतलुज टीम, ते इन्हां तीनों टीमां दा स्वागत करदे होए मैं कहना कि एक बारी असीं मिल के जोरदार नारा लाइए, गदरी बाबिआं वाला। गिफ्ट पैक देख के मेरा भी दिल कर रहा है कि काश मैं इन्हां दे विचों एक पार्टिसिपेंट हुंदी तां शायद मैनूं भी जित्तण दा मौका मिलदा, शायद मैं भी अपने घर कोई ना कोई गिफ्ट लैके जांदी। नीरू जी, ये तो बड़ा जोरदार कंपटीशन लड़ के आए ने। हाँ। मैनू बड़ा अच्छा लग रहा है, दिल तो मेरा भी कर रहा है, पर मैं शायद इन्ना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं तो खैर अज का प्रोग्राम असं शुरू करते हैं। साडियां तीनों टीमां ये चंगी तरह जानदियां ने कि साडे रूल्स की है, फिर भी दर्शकों वास्ते रूल्स दस दिओ ते नाल साडे सहयोगियों नूं एक बार इंट्रोड्यूस करवा दिओ। जी हाँ, साडे नाल साडे सहयोगी ने नम्रता सिंह बोर्ड ते ते नाल अनिल शर्मा बोर्ड ते। साडा पहला राउंड है मीनार राउंड, ये जेडे ब्लॉक्स देख रहे हो, एक क्यूब्स देख रहे हो, तुसी इना दे नाल जेड़ा जवाब असी तुहानू दवांगे या जेड़ा जवाब तुसी सही दोगे वह बनाना होएगा साढ़े वी गिनन दे विच विच। हर एक टीम तो तीन सवाल पूछे जाएंगे ते उहदा तुहानू जवाब देना पेगा। जे तुसी तीनों सवाल ठीक दसोगे तो चौथा एक मीनार बनाने का मौका देंगे जिदे विच तुसी संकेत लिखना है, उहदे तुहानू अलग नंबर मिलेंगे। सैकंड राउंड होएगा तरतीब राउंड, इस तरतीब राउंड दे विच बहुत सारे बोर्ड इत्थे लगे होणगे जिहड़े बेतरतीबे होणगे, तुसी उन्हां नूं उन्हां दे सालां दे मुताबिक जदों जदों घटना घटी उहदे मुताबिक तुसी उन्हां बोर्ड उन्हां नूं लगाना है, तरतीब दे विच लगाना है। और तीसरा राउंड होएगा साडा संकेत राउंड, जिद्दां कि तुसी देख रहे हो ये डार्ट बोर्ड हैगा, तुहानूं ये डार्ट दित्ते जाणगे ते तुहानूं तीन चांस मिलणगे उहदे ते निशाना लगाउण दा। तुहाडा जिथे निशाना लगेगा असीं तुहाडे कोलों उहदे बारे प्रश्न पुछांगे ते उहदा जवाब देना होएगा। पहली टीम नू पहला प्रश्न, अंडेमान जेल जिसनू काले पानी भी कहा जाता सी खतरनाक कैदियों नू रखण वास्ते वरती जाती सी, पर बाद विच सियासी कैदियों नू भी इत्थे भेजना शुरू कर दिता, तुसी दसो कि ए कदों तो शुरू होया? सूरज जी, इन्हां दा टाइम हो गया। तुसी नहीं दस सके, सही जवाब है 1909। तुहानू एक मौका दिता जाएगा 10 नंबर बोनस लैण दा, जेकर तुसी 1909 जेकर तुसी मीनार ते बनाओ ता। तुहाडा टाइम शुरू होंदा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस। नहीं जी, ये नहीं बना पाए, इन्होंने कुछ और बनाया है।
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨੀਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ 1909 ਉਲਟਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਲਟਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਿਣਤੀ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਜੀ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ हाँ तुसी दूसरा सवाल पूछो अंग्रेजा ने सुभाष चंद्र बोस नू कलकत्ता विच उना दे अपने घर विच नजरबंद करके रखिया पर ओ उतो बच निकलन विच कामयाब हो गए तुसी दसो के ए घटना केड़े साल घटी तुहानू सिर्फ 5 सेकंड दा टाइम दिता जांदा है 1941 जवाब ठीक है पर इन्होंने थोड़ा लेट सवाल लेट जवाब दिता है लेकिन मेरा ख्याल है कि इको बार जे देता ते इन्हां नू नंबर मिलने चाहिए ठीक है जी 1941 बिल्कुल ठीक है ते इन्हानू 25 मार्क दिते जाएंगे जी ते इन्हां वास्ते तीसरा सवाल स्वराज दिवस सब तो पहला केड़े साल मनाया गया जी नहीं सही जवाब है 1930 ते हुण असीं तुहानू मौका देने हाँ थोड़े होर अंक प्राप्त करन दा तुसी सानू 1930 मीनार राही बना के दिखाना है समा एक दो तीन चार पांच छे सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह रावी टीम वास्ते पहला सवाल तुसी सानू दसो के सोहन लाल पाठक पट्टी दे रहन वाले सन उना नू बर्मा विच केड़े साल फांसी दी सजा सुनाई गई सोहन लाल पाठक एक 1916 जी हाँ बिल्कुल ठीक 1916 में जवाब बिल्कुल ठीक है जी इन्हें पूरे 25 नंबर दिते पूरे 25 अंक दिते जाएंगे दे और इन्हें वास्ते दूसरा सवाल भारत छड़ो रेजोल्यूशन दे पास होने तो बाद गांधी जी ने सारे भारत नू आजादी प्राप्त करने लिए करो या मरो डू और डाई दी नीति अपनाने लिए वंगारिया ए आंदोलन केड़े साल शुरू होया एक दो दोबारा 1941 1942 ठीक है जी जवाब बिल्कुल ठीक है 1942 वेरी गुड इन्होंने दूसरे भी पॉइंट नु जीत लिया है इन्होंने 25 अंक और मिलते ने ते इना वास्ते एक और सवाल जी हां तीसरा सवाल है साडा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ तो अपनाया गया है तुसी सानू दसो कि ए राष्ट्रीय चिन्ह केड़े साल अपनाया गया 1950 विच बिल्कुल ठीक है जी बिल्कुल ठीक बड़ी तैयारी नाल आए ने जी जी हां हुण इहनां नू मौका दित्ता जांदा है मीनार बनाउण दा तुसी एक मीनार बनाओ जिदे उत्ते संकेत लिखना भाषा जिहड़ी तुसी चाहो हिंदी पंजाबी अंग्रेजी जो चाहो तुसी एक मीनार बना के लाओ एक पार्टिसिपेंट जाएगा तुहाडे चो एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह बन गया जी बिल्कुल ठीक 25 मार्क इन्हें होर दिते जाते हैं और मेरा ख्याल है कि इन्हें सारे जवाब ठीक जी हाँ सारे बड़ी तैयारी ना आए ने और सारे अंक इन्होंने जीत लए ने और मैं उम्मीद है कि बाकी दे राउंड भी इस तरह जितेंगे इस तो बाद वारी है ब्यास दी ते तुसी ब्यास ले एक सवाल पूछो ब्यास टीम रेडी मंगल पांडे पहले भारती सन जिन्हां ने आजादी दी पहली लड़ाई विच गोली चलाई उन्हां नू अंग्रेजा ने बाद विच फांसी दे के शहीद कर दिता तुसी दसो कि उन्हां ने केड़े साल शहीदी प्राप्त की 1857 राइट 1857 1857 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਹਦੇ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 25 ਅੰਕ ਜੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ
पंजाब दी कीर्ति किसान पार्टी की स्थापना अमृतसर आयोजित एक कॉन्फ्रेंस विच हुई जिदा आधार बंगाल ते मुंबई दिया कीर्ति किसान पार्टियां सन। तुसी दसो कि यह स्थापना केड़े साल हुई? जवाब है कीर्ति किसान पार्टी की स्थापना सन 1927 विच हुई। तीसरा सवाल ब्यास ले, किसानी लहर विच लाला लाजपत राय ते अजीत सिंह नू केड़े साल जला वतन किया गया? 1907। जी हाँ बिल्कुल ठीक, 1907। वैसे एक बोनस का पॉइंट इन्हों का रह गया है, क्योंकि जिहड़ा असी पिछली बारी इन्हों नू जवाब दिता है उधर इन्हों नू एक मौका मिलना चाहिए सी मीनार बनाने का। एक जन जाओ, एक पार्टिसिपेंट, क्योंकि वो गर्ल्स नू असी अलाउ किया सी कि शायद उन्होंने हाथ ना पहुंचे। एक दो तीन चार पाँच छे सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह उन्नीस बीस। टाइम अप। तुझे तो लग नहीं सके इन्ना औखा तो नहीं सी, तुसी देखे हुए हैं सारे। खैर वो बोनस पॉइंट तुहानू नहीं मिल सके, तो बाकी का तुहाडा जवाब तुहाडे ठीक सन। पहले राउंड तो बाद स्कोर इस तरह है, सतलुज 25, रावी 100 ते ब्यास ने प्राप्त किए ने 50 अंक। साडा दूसरा राउंड है तरतीब राउंड, जिदा कि तुसी देख रहे हो वो तुहाडे सामने हुणे, क्योंकि फाइनल राउंड है इस करके तुहानू 5 दी जगह 7 बोर्ड दित्ते जाणगे, जिहड़े कि तुसी 7 बोर्ड सीक्वेंस करके लगाने हैं, तरतीब वार लाने हैं। ठीक है जी, तुहानू जिहड़ा टाइम है वो 1 मिनट का दिता जाएगा। सब तो पहले सतलुज टीम ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ। ਜੀ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸਤਲੁਜ ਟੀਮ। ਜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਸੱਤ ਬੋਰਡ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਾਈਨਲ ਰਾਊਂਡ ਆਇਆ ਇਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਰਾਊਂਡ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 100 ਚੋਂ 100 ਮਾਰਕਸ ਲਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰਾ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਲੁਜ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੰਕੇਤ। ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ? ਫਟਾਫਟ ਲੈ ਨੀਚੇ ਗਏ। 1857 ਜੀ। टाइम कुकल है 1857 जी। टाइम आप हो गया जी। टाइम आप आ जाओ। किसी आ जाओ इधर। हां नीरज जी, किसी देखो कितने जवाब है जो ठीक ने। इना दे कुकल दो जवाब सही ने, नाम मिलवर्तन लहर ते लाला लाजपत राय दी शहीदी। अच्छा जी हां, बाकी कोई भी तब्दीली जी नहीं ते ठीक है। दो ठीक बोर्ड लान दे, असि इना नु 40 अंक दिने। ठीक है जी, इना नु 40 अंक दित्ते जानगे। ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦਾ ਨਮਰਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਓ ਕੂਕਾ ਲਹਿਰ, ਨਾਮ ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਅਡਵਾਇਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ। ਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਠੀਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਅੰਕ ਦੇਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਰਾਵੀ ਟੀਮ, ਰਾਵੀ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਣਗੇ। ਰਾਵੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਵੀ ਟੀਮ, ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁੱਕਲ ਹੈ, टाइम बहुत कट है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अजीत सिंह जलावत, अजीत सिंह, हां अजीत सिंह, हां संकेत दे फर्स्ट वर्ल्ड, पहली संसार, पहली सर, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग।
ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਰਕ ਸਭਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ। ਕਾਵੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਨੀਰੂ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਠੀਕ ਨੇ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਠੀਕ ਨੇ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ। हाँ जी ब्यास टीम रेडी, तुहाडे लई बोर्ड लग रहे ने, कॉम्पिटिशन बहुत ही सख्त। ब्यास दौड़ के जाओ, समय शुरू हो गया। तुसी अजीत सिंह जलावतन नेक्स्ट। दियो दियो तुसी संकेत दे सकदे हो। नामिल वतन लहर उस नेक्स्ट। साइमेंट मिशन नो नौजवान भारत सभा देन साइमन कमीशन। आराम नाल, कुछ गलत ना कर बैठना जल्दबाजी विच। भगत सिंह नूं फांसी ते दूसरी संसार जान। देख लो तुहाडी। आ जाओ तुसी, आ जाओ वापस। हीरो जी जी की कहंदी इहनां दी तरतीब? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪੂਰੇ ਅੰਕ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾ। ਆੜਾ 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 ਧੰਮ। ਆੜਾ 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 ਧੰਮ। ਆੜਾ 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 ਧੰਮ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਰਾਉਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਕੇਤ ਰਾਉਂਡ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਰਾਉਂਡ ਡਾਟ ਰਾਈਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਕੇਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ ਟੀਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਡਾਟ ਮਾਰਨ ਦੇ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਡਾਟ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ 30-30 ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 100 ਅੰਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਲੁਜ ਟੀਮ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਆ ਜਾਓ ਆਓ ਤੇ ਡਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਓ। ਡਾਟ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮਾਰਕ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਨਿਲ ਜੀ ਘੁਮਾ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਗਦਰ ਲਹਿਰ। ਗਦਰ ਲਹਿਰ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਕੀ ਉਮਰ ਸੀ? 19 ਸਾਲ। ਸਾਢੇ 19 ਸਾਲ। ਲਗਭਗ 19 ਸਾਲ। ਸਾਢੇ 19 ਸਾਲ। ਸਾਢੇ 19 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ 30 ਅੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਡਾਟ ਲਗਾਓ। ਵਿਗਿਆਨ। ਵਿਗਿਆਨ आ जाओ जी। विज्ञान। भौतिक विज्ञान के खेत्र विच कॉस्मिक किरणा की खोज वास्ते किसका नाम अंतरराष्ट्रीय पद्धर के उत्ते जानिया जाता है? भौतिक विज्ञान विच कॉस्मिक किरणा ने कहंदे ने पास। प्रोफेसर प्यारा सिंह गिल। ये मार्क्स तुहानू नहीं दिते जाणगे, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਮਾਰਕ ਤੇ ਆਓ। ਸੰਗੀਤ। ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ। ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਠੁਮਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਵਿਆਪੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਸੋਚ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਉਹ ਤੀਰ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਬ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਬੜੇ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਖਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਰਾਵੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਨ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਗਾਓ। ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਸਿਨੇਮਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛੋਗੇ? ਸਿਨੇਮਾ ਬਾਰੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 40 ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਨ ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਕਿ 15 ਕੁ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਅਨਿਲ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਛ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਇਹ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਕਾ ਲਹਿਰ ਜੀ ਹਾਂ ਕੁੱਕਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨੀਰੂ ਜੀ ਕੁੱਕਾ ਲਹਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕੁੱਕਾ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਕਾ ਲਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਿਲ ਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬਾਅਦ ਚ दरअसल ना मिलवर्तन लहर की शुरुआत कुका लोगों ने ही की कुकिया तो शुरू होके गांधी जी ने दोबारा नवा रूप दिता विरासत कोई सवाल पूछो विरासत रावि तुसी विरासत उत्ते जवाब देने लई तैयार रहो तुसी ये दसो कि आरिया दी भारत नूं सब तो वड्डी देन की है वेदां विच आरिया ने भारत नूं वेदां विच सब तो वड्डी की चीज दित्ती केड़ी देन है मैं क्लू देके आसान करता है वेदां विच कहता है कि तुहानूं हुण तुहानूं वेदां दे नाम पता होणगे तुसीं जिहड़ा आरिया ने वेद दित्ता उहदा नाम दसणा देखो तुहाडे वास्ते आर्यवेद सही जवाब यह है ऋग्वेद हां तुम सारे बोल दोगे कि तो ठीक होएगा वो नहीं है सही जवाब है ऋग्वेद इन्होंने भी मेरा ख्याल है कि एक जवाब सही दिता जी हां ते 30 अंक सही जवाब दे ते 10 अंक सही निशाने जी हां 40 अंक इन्हों भी दिते जाएंगे हूँ वारी ब्यास की है ब्यास चो मैं एक पार्टिसिपेंट नू रिक्वेस्ट करांगा कि इत्थे आ जाओ ते तुसी भी जरा अपना निशाना लगा के दिखाओ देखिए इन्हों का संकेत किस पासे है जलावतन किया गया दसने सरदार अजीत सिंह लाला लाजपत राय जी हाँ बिल्कुल ठीक जवाब बिल्कुल ठीक है जी इन्हां लई तालियां जोरदार तालियां हुण इन्हां नूं एक मौका होर कुक्का लहर चित्रकला वाह हुण इन्हां नूं चित्रकला दे उत्ते नीरू जी एक सवाल पूछना है एक पंजाबी चित्रकार दा नां दसो जिहड़ा कि सारे संसार विच जवाब दुरुस्त है जी मेरा लिए जोरदार तालियां वेल डन हां जी आखिरी मौका ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ गदर लहर लो जी हुन व्यास वास्ते गदर लहर ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੂਰਜ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ समुद्री जहाज जिस ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ मैवरिक जी हाँ बिल्कुल ठीक है जी सूरज जी इन्होंने तो
पूरे दे पूरे अंक ले ले नहीं साडे कोल तां कुछ बचया ही नहीं इन्होंने सारे जवाब ठीक देते और नाल ही 10 नंबर डाट दे भी इन्हां नूं मिल गए इन्हां दे 100 अंक पूरे हो गए मेरा ख्याल है बड़ी जोरदार तैयारी विच सीगे जेतू टीम दे अंक 290 जोरदार तालियां अरे नीरू जी जी लो जी तुहाडा गिफ्ट कांग्रेट्स वेरी वेल डन जोरदार तालियां जी हुण रावी टीम वास्ते जी हां ए है रावी टीम ले वेरी वेल डन कांग्रेट्स कांग्रेट्स बड़ा जोरदार मुकाबला रहा ते ए है साडी जेतू टीम ले ब्यास टीम जोरदार तालियां अरे 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 थम अरे 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 थम अरे 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 थम देश नूं आजादी दिलाण लई जो पंजाबियों ने कुर्बानियां दित्ती हैं वो ना सिर्फ साडे मुल्क ची उन्हां दी गिनती की जांदी है बल्कि उन्होंने एक पंजाबियों का ना सारी दुनिया च इतना बड़ा किया है कि अज साडा मुल्क बाहर दे लोग जानते हैं कि पंजाबी अपने देश लिए की कर सकते हैं कितने बहादुर कौम है मेरा सारे जवानों को यही संदेश है कि साढ़े क्रांतिकारियों ने जिहड़ी कुर्बानी दे के यह आज़ादी हासिल की है वह आज़ादी नूं असी संभाल के रखी है वह आज़ादी की असी इज्जत करिए ते उहदी सच्चे दिल नाल कदर करिए